Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो से हम साथ कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को. सो जो नॉर्थ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, अगर उसकी पोजीशन देखेंगे तो इक्वेटर से बिल्कुल ये नॉर्थ में है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इसी वजह से इसका नाम नॉर्थ अमेरिका पड़ा. लेकिन अगर हम एक और चीज गौर से नोटिस करें तो हमने देखा था कि जितने भी एक्सेप्ट एशिया एंड यूरोप जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अदर लैंड मासेस बाय वाटर बॉडीज. वो लोग बाकी के लैंड मासेस से किसी ना किसी वाटर बॉडी से सेपरेटेड है हमारे एशिया और यूरोप को छोड़ के. बट इस वाले कॉन्टिनेंट के साथ क्या हो रहा है कि ये लिंक्ड है, यानी कि जुड़े हुए हैं एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, एक छोटे से लैंड के टुकड़े से ये जुड़े हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा. तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है? लिंक्ड है. अब ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को क्या कहेंगे हम? इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को कहेंगे इस्थमस ऑफ पनामा. सो ये इस्थमस ऑफ पनामा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और देखते हैं इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में और पढ़ते हैं इसे. इट इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा. ये लिंक है साउथ अफ्रीका से, एक बहुत ही छोटे स्ट्रिप ऑफ लैंड से, बहुत छोटा एक लैंड का टुकड़ा है, उससे ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है. और उस लैंड के टुकड़े को हमने क्या नाम दिया? इस्थमस ऑफ पनामा. द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. तो हमने देखा कि लैटिट्यूड जो है हमारा, जो इक्वेटर है, उससे कहाँ पे है? नॉर्दर्न साइड में है, वही प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में है. तो इसीलिए इसकी पोजीशन क्या कहलाएगी? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इसकी पोजीशनिंग होगी. नेक्स्ट देखते हैं, थ्री ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट. इसको, इस वाले कॉन्टिनेंट को तीन मेजर ओशियंस क्या कर रही है? सराउंड कर रही है. और यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कैन यू नेम दीज ओशियंस? क्या आप इन ओशियंस का नाम बता सकते हैं? सो हाँ, हमें तो दिख रहा है, हम तो आसानी से बता सकते हैं. तो ये ओशियंस कौन कौन सी है, देख के बताओ जरा मुझे. यस, वी कैन सी कि एक तो अटलांटिक हमें बड़े आसानी से दिख रहा है इसके इस साइड में, ईस्टर्न साइड में. वही वेस्टर्न साइड में कौन दिख रहा है? पैसिफिक ओशियन दिख रहा है. अब इसके ऊपर नॉर्थ की बात करें तो यू विल सी कि आर्कटिक ओशियन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. तो इसके नॉर्दर्न साइड में कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन है. सो ये थ्री मेजर ओशियंस इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं, बाउंड करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट आवर नॉर्थ अमेरिका, जिसमें हमने बात करी कि नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ ये लिंक्ड है अपने साउथ अमेरिका से, अपने सिस्टर से, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा. और तो और हमने ये भी देखा कि इसकी जो पोजीशन है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर. और फिर हमने बात करी कि कैसे ये थ्री मेजर ओशियन, थ्री ओशियन से सराउंडेड है. एंड दैट वाज आवर आर्कटिक ओशियन, हमारा अटलांटिक ओशियन, और वेस्ट में इसके है पैसिफिक ओशियन. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नॉर्थ अमेरिका. जितना आपको इस चैप्टर में पढ़ना था नॉर्थ अमेरिका के बारे में, आपको सब पता है. अब हम बात करेंगे इस्थमस क्या है और स्ट्रेट क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस. बाय.